दोस्तों फाइनली नोकिया भी एक नई स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है और यह स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च की जाएगी। इस स्मार्टफोन की जो सबसे हाइलाइटेड बात है वो है इसका कैमरा। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन कैमरा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी A9 में आपको 4 रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिला था, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5 रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा और यह वर्ल्ड की फर्स्ट 5 रियर कैमरे वाली स्मार्टफोन होगी जो कि अपने बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च की जाएगी। सो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सो हाय गाइस, माय नेम इज सनी एंड यू आर वाचिंग हमटेक। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज हम क्वालिटी और रियलिटी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। नोकिया का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन हो सकता है। नोकिया 9 में काफ़ी सारी यूनिक फीचर्स देखने को हमें मिल सकती है और अगर सबसे पहले यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो है इसका पेंटा कैमरा। अगर पेंटा कैमरा का आपको मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, जब किसी स्मार्टफोन कंपनी में आपको 5 कैमरा एक ही तरफ देखने को मिलते हैं तो उसे पेंटा कैमरा कहते हैं। जैसे कि हाल ही में सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A9 को लॉन्च किया गया था और उसके बैक साइड में आपको 4 कैमरा देखने को मिले थे, उसे क्वाड कैमरा कहते हैं। उसी तरह अगर 5 कैमरा देखने को मिलता है तो उसे पेंटा कैमरा कहते हैं। तो ऐसा करने वाली नोकिया पहली कंपनी बन जाएगी और आपको इसमें 5 रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नोकिया 9 के बैक साइड में आपको 7 लिंक बना हुआ देखने को मिलेगा, उसी में आपको 5 कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसमें 6 जो रिंग होगी उसमें आपको फ्लैश लाइट का और 7th जो रिंग होगी उसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कैमरा कितने मेगापिक्सल्स के होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो अगर ऐसा कुछ जानकारी होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट नोकिया के कैमरा काफ़ी शानदार होती है तो कैमरा काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। इसके फ्रंट साइड की अगर बात करें तो इसके फ्रंट साइड में आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा जो कि 12 मेगापिक्सल्स का होगा और यह HDR को सपोर्ट करेगा। तो इसके फ्रंट साइड में भी काफ़ी बेहतरीन कैमरा रहने वाली है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोकिया 9 कैमरा के मामले में सभी स्मार्टफोन कंपनी को किल करने वाली है। साथ ही में अगर इसकी दूसरी यूनिक फीचर्स की अगर बात करें तो है इसका डिस्प्ले। आपको इस स्मार्टफोन में 5.9 इंच की QHD की डिस्प्ले देखने को मिली। अगर आपने अभी तक QHD की डिस्प्ले नहीं देखी है तो मैं दिखा देता हूँ कि अभी हाल ही में LG के G7 ThinQ में आपको QHD की डिस्प्ले देखने को मिली थी और वो काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन होने वाली है और इसकी डिस्प्ले की पिक्सल साइज होगी 40x29:60 पिक्सल्स की और इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 18.5:9। साथ ही में इसमें आपको 558 की PPI देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और इसकी एक और जो यूनिक चेंजेस है इस फोन की वो है इसका डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि इस फोन को और यूनिक बना देता है। तो आप बिल्कुल वीवो V11 Pro और OnePlus 60 की तरह इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी शानदार है। अगर इस फोन की डिज़ाइन की बात करें तो इसके फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही आपको एल्युमिनियम बॉडी प्लस ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके ग्लास में गोल्डा ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि आपके फोन को काफ़ी सिक्योर बना देगा। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात करें तो यह फोन वाटर और डस्ट प्रूफ भी होगा। सो यह फोन काफ़ी शानदार होने वाली है डिज़ाइन के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में और कैमरे के मामले में। साथ ही में इस फोन में प्रोसेसर में भी काफ़ी काम किया गया है और इसमें आपको ऑक्टा कोर के स्नैपड्रैगन के 845 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और हमने हाल ही में OnePlus 6 और OnePlus 60 में देखने को मिला था। इसके GPU में आपको एंड्रीनो के 630 का GPU का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करें इसकी स्टोरेज की तो यह 8GB के रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकती है जो कि एक अच्छी बात है। यह फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9.1 के साथ आएगी। आपको इसमें एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और इस फोन की बैटरी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि इस फोन की बैटरी 4150mAh की होगी जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल यह फोन बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। साथ ही में यह फोन 5 दिसंबर को कोरिया में लॉन्च की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जनवरी के फर्स्ट क्वार्टर तक आपको यह फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है और अगर इसकी कोरियन प्राइसिंग के हिसाब से बात करें तो यह इंडियन रुपीज के हिसाब से 65,000 rupees तक हो सकती है। सो यह थी फोन की ओवरव्यू। सो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।